एकोंकार सत्यनाम, एकोंकार सत्यनाम, एकोंकार सत्यनाम, एकोंकार सत्यनाम। चक्र चिन्ह वर वर न जात वर वाद न हिन जह चक्र चिन्ह वर वर न जात हर वाद न हिन जह रूप रंग हर रग बग को कन सकत कर रूप रंग हर रग बग को कन सकत कर अचल मूरत वन भाव प्रकाश स्वामी तुझ कहिचा सब महापुरुषों ने बहुत तरह का मंगलाचरण कर दिया है। संस्कृत के एक श्लोक से हम शुरू करते हैं यात्रा, जिसमें योग का, अध्यात्म का, जीवन का, जगत का सारा रहस्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। यह हमारे मंगलाचरण की अलग अलग परंपराएं हैं। परमात्मा पूर्ण है, हम सब आत्माएं भी पूर्ण हैं, और परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये सारा जगत, ये सब कुछ पूर्ण है। पुरुष यदि सोचे कि मैं स्त्री के द्वारा पूरा हो जाऊंगा तो ये उसका मिथ्या ज्ञान है, और इस मिथ्या ज्ञान से, इस अविवेक से, इस अज्ञान से, इस अंधकार से हमें पार लेकर के आते हैं सद्गुरु। स्त्री यदि पुरुष के द्वारा, पुरुष यदि स्त्री के द्वारा पूरा होना चाहता है तो ये उसका अविवेक है। हम सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से, भौतिक सुखों से, बाहर के संबंधों से, बाहर की संपत्ति, बाहर के ऐश्वर्य से यदि पूरा होने की सोच रखते हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हम स्वयं में पूरे हैं। हमारा ज्ञान से परिपूर्ण है मस्तिष्क, ज्ञान हमारे मस्तिष्क में पूरा है, श्रद्धा प्रेम भक्ति निष्ठा हमें पूरी है, पुरुषार्थ हमें पूरा है, सुख शांति आनंद हमें पूरा है। स्वयं में पूर्णता, समष्टि में जो पूर्णता की अनुभूति करता है उसको दुख लेश मात्र भी कभी होता ही नहीं। जो संपत्ति में सुख देखते हैं और अपने को पूरा होता देखते हैं आजकल बड़े दुखी। अपने भीतर और बाहर सब जगह पूर्णता अनुभव करो, पूर्ण कृतज्ञता, पूर्ण विवेक, पूर्ण निष्ठा, अखंड निष्ठा, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण आनंद के साथ जीवन को जियो। बस यही तो योग है। और ये जो संत महापुरुष हमें यही बोध कराते हैं कि सुख तो तुम्हारे भीतर है, बाहर जो तुम कर रहे हो ये सब इस समष्टि के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता है। कितने उपकार हैं इस समष्टि के हम पर। अभी पिछले दिनों बीबीसी की एक पत्रकार आई कि बाबा जी आपका इंटरव्यू लेना है, तो बहुत से प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न ये भी था कि आप देशभक्ति को कैसे देखते हो। मैंने कहा मैं देशभक्ति को
देश को अपने देह में देखता हूँ कि मेरे शरीर की एक एक कोशिका इस देश की मिट्टी से बनी है, इसलिए मेरे शरीर में जितने कोशिकाएं उतनी बार भी मैं जन्म लूं और मातृभूमि की सेवा करूं तो भी कम पड़ता। मुझे देश मेरे देह में दिखता है, इस देश की मिट्टी से बने अन्न जल को खा करके हमारा देह बनता है। बॉडी का रॉ मेटेरियल तो फूड है हमारा, वाटर है, एयर है। एक सेल में 70% वाटर होता है, 30% उसमें सॉलिड मटेरियल होता है। इस देश का हमने जल पिया है, इस देश का अन्न खाया है, इस ये मिट्टी सजीव है। प्रधानता के साथ ये कथन कर दिया जाता है कि ये जड़ है, ये चेतन है। कौन सा ऐसा जड़ पदार्थ है जहाँ चैतन्य नहीं है, जहाँ प्रभु की सत्ता नहीं है? वासुदेव है सर्वम, सियाराममय सब जग जाने, ईशावास्यमिदं सर्वम, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सब कुछ तो ब्रह्ममय है। तुम्हें कह रहा था ऐसी दिव्यता, ऐसी पूर्णता अपने भीतर निरंतर बनी रहे कि मैं पूरा तो स्वयं में हूं। जो दिखता है वो सामान्य सत्य है, और जो नहीं दिखता वो पूर्ण सत्य है। ये देह दिख रहा है, ये पिंड दिख रहा है, ये ब्रह्मांड दिख रहा है, ये सामान्य सत्य है। इसके पीछे न दिखने वाला ब्रह्म वो पूर्ण सत्य है। यही तो हमें गुरु बोध कराते हैं। आज से करीब 20 साल पहले हम छोटी छोटी बातें सुनाएंगे आपको, और उनके माध्यम से जो अनुभव करते हैं वो बता देते हैं। अहमदाबाद में थे हम, एक उपेंद्र भाई ठक्कर एक सीडी ले आए, उसमें गाना बज रहा था, जरा सहित ना बता दो प्रीतम लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझ में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रही हो। हृदय में तुम हो, तुम ही हो धड़कन, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी, पुकारता दिल तुम्ही को क्यों फिर, जब दिल में तुम समा रहे हो। तब से माताजी दिल में समा गए। अब हम इनको बोले एक दिन, हम कहा हम आपको माता कहें, हम आपको बहन जी कहें, गुरु माँ कहें, कौन सा नाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन यही अध्यात्म है जो हमें सब संबंधों के पार लेकर के जाता है, और सब संबंधों में आत्म संबंध को जोड़ देता है। कुछ संबंध छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि सब संबंधों में हम आत्म संबंध अनुभव करें, सब सत्ता में हम आत्म सत्ता को अनुभव करें, सब संपत्ति में हम आत्म संपत्ति आत्म विभूति को अनुभव करें, सब सुखों में हम आत्म सुख को ही अनुभव करें। सबका स्रोत तो केवल ब्रह्म ही है, और हम सब उसी के प्रतिरूप हैं, हम स्वयं सब ब्रह्म रूप हैं। तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम शुद्धोहम मुक्तोहम अहम ब्रह्मास्मि। अब ये अनुभूति जो करेगा, फिर वो जो कुछ करेगा वो शुभ ही शुभ होगा। मेरे से बोले, बाबा जी आप योगी होके ये इतना बड़ा पतंजलि क्यों चला रहे हो? तो मैंने ये बताया, भाई पतंजलि चला के गलती क्या कि हम भूल सुधार कर लेते। हमने पतंजलि चला के लाखों करोड़ों लोगों को योग सिखाया, तो कोई भूल की हो तो सुधार कर लेते।
हमने पतंजलि चला करके करीब 1 लाख लोगों को सीधे तौर पर और करीब 1 करोड़ लोगों को परोक्ष तौर पर, और आगे सपना है करीब 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर और 5 करोड़ लोगों को कम से कम परोक्ष तौर पर रोजगार मिले, समृद्धि मिले। तो ये इसमें कुछ गलती की हो तो भूल सुधार कर लेते हैं। इन एक्शन, रोंग एक्शन एंड रिएक्शन, ये योग नहीं है। बहुत से लोग कुछ नहीं करना, अजगर करे न चाकुरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, नहीं करना कुछ काम, राम नाम जपना पराय माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। ये वेदांत है क्या? ना भैया, ये तो वेदांत नहीं है। वेदांत है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अब इस अत्यंत पुरुषार्थ का अर्थ वेदांत में अनेक प्रकार से किया जाता है। हमारे सब महापुरुष यहाँ, हमारे पूज्य दर्शन सिंह जी महाराज जी ने गुरु नानक देव जी को स्मरण करते हुए, हमारे पूज्य बाबा प्रातः स्मरणीय क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य दिलेर सिंह जी महाराज जी को स्मरण करते हुए बहुत सी बातें कही। हमारे जसविंदर सिंह जी महाराज जी ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, और हमारे पूज्य बड़े बाबा जी, ये भी कनखल में ही हैं, हम भी कनखल में ही हैं, इनको देखते हैं तो गुरु नानक जी का मूर्त रूप दिखता है। और जैसे गुरु नानक देव जी सबको जगाते थे, पूज्य बाबा जी जब बोलते हैं तो सब ऐसे ही जाग जाते हैं। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार। जागो रे जिन जागना, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारित की कहे नानक हरि भजमना, यही विधि जग को मीत। जागो रे जिन जागना, जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपन तरे ओरन लेत भार। जागो रे जिन जागना, ऐसे महाराज जी ने सबको उभार लिया। बाबा जी इतना आनंद कराते हैं, बोले तबियत थोड़ी माड़ी है, ठाड़ी होती तो क्या करते महाराज। ये संत अपने को जगाते हैं, जागो। हम जागते हुए भी सोए रहते हैं, और जहां सोना चाहिए वहां जाग रहे होते हैं, इसलिए इससे हम जागृति भूतानि सा निशा पुष्यतो मने। जिसमें सारा संसार सोया रहता है वहां योगी जागता है अपने आत्मस्वरूप में, और जहां संसार जागा हुआ है वहां योगी सो जाता है। ये जो संसार की जो पहेली है ना, उसको सुलझाने का काम करते हैं संत महापुरुष। पानी में मीन पिया सिरे मह सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88 सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी है हाजिर कि ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, रे मोहे सुनि सुनि आवत हासी। तो आप सबका सौभाग्य है, ऐसी गुरु माँ मिली हैं जो आपके सब भ्रम दूर करके और आपके भीतर का आत्मबोध जागृत कर रही है। आत्म विस्मृति, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बार बार संतों का हम सत्संग सुनते हैं, बार बार संतों का सानिध्य पाते हैं, कोई अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब गुरु माँ बुलाएं और हम जाएं।
वो सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं जिनको ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं का, योगी गुरुओं का दर्शन होता रहता है। उनके दर्शन मात्र से अपने आत्मस्वरूप की स्मृति हमें हो आती है, और आत्मस्वरूप की विस्मृति ना हो उसके लिए ऐसा अभ्यास भी बनाइए कि बार बार अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहे। इसलिए हम सुबह उठकर की गुरुवाणी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। गुरुवाणी में और वेदवाणी में कोई फर्क नहीं है, खाली लफ्जों का फर्क है, जुबान का फर्क है, भाषा का भेद है, भाव एक ही है, तत्व एक ही है, सत्य एक ही है। गुरुवाणी पढ़ते हैं, वेदवाणी पढ़ते हैं, शास्त्रों के वचन पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, ध्यान करते हैं, सबकी एक ही पुकार है, अपने स्वरूप की विस्मृति ना हो। दिन भर ऐसा 2-3 बार अभ्यास प्रारंभ करें, अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास, अपने आत्मस्वरूप की विस्मृति ना हो। गीता का जो अंतिम संदेश है वो यही तो है, जब भगवान ने सारा बोध दिया अर्जुन को कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, और ये जीवन क्या है, जगत क्या है, सत्य परम सत्य सनातन सत्य क्या है, तो अंत में कहा नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। और मोह नष्ट होते ही क्या होता है, स्मृति लगता, अपनी स्मृति हो आती। जब अपने को ये स्मृति रहती है कि मैं पूर्ण ज्ञानमय, भक्तिमय, श्रद्धामय, प्रेममय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, पुरुषार्थमय, ऐश्वर्यमय, पूर्ण आत्मा हूँ, ये ये स्मृति मात्र ही अपने को कितना सुख देती है। मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बुद्ध आत्मा हूँ, मुक्त आत्मा हूँ। फिर मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये तो इस समष्टि के प्रति मेरी कृतज्ञता है और भगवान का मेरे लिए विधान है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विजी छतं समा एवं नई एवं तो इन्हान्य थे तो उस दिन कर्म लिप्यते नरे। अपने कर्तव्य का निर्वहन हो रहा है, और ये कर्तव्य का निर्वहन तामसिकता से भी होता है, राजसिकता से भी होता है, सात्विकता से भी होता है। तो जो दिव्य आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं, सात्विक आत्माएं हैं, जो साधक हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन दिव्यता के साथ करते हैं और अपनी मस्ती में अपने आनंद में जीते हैं। हम गुरुपर्व मना रहे हैं, हम गुरुओं के निर्वाण पर उनको स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया। हमें गुरु की महिमा सुननी चाहिए, हमें अपने महापुरुषों की महिमा सुननी चाहिए, शास्त्रों में जो महिमा कही गई है भगवान के विधान की वो सब सुनना चाहिए हमें, लेकिन मात्र श्रवण यही ठहरना नहीं है, वैसा हमें जीना चाहिए। तो आज सब आए हो ना, तो आज सबने गुरु नानक देव जी की महिमा सुनी है, हम गुरु दिलीर सिंह जी की महिमा सुन रहे हैं, बाबा जी की महिमा सुन रहे हैं, गुरु की महिमा सुन रहे हैं, और हमारे संतों ने तो कहा हम सभी आनंद मूर्ति हैं, तो आप सभी आनंद मूर्ति हो और हम भी आनंद मूर्ति हैं साहब। सभी आनंद की मूर्तियां हैं यहाँ, और सच में मैं देख रहा था यहाँ, हो सकता है कुछ लोग किसी कारण से थोड़े कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, यहाँ आकर के तो सब आनंद मूर्ति हो ही जाते हैं। घर में हो सकता है कभी कभी आत्मस्वरूप की विस्मृति हो जाए, यहाँ आकर के तो अपने स्वरूप में सब आ जाते हैं, यहाँ आकर के कर्तव्य पीछे नहीं छूटते, कर्तव्य तो कर्तव्य है, वह हमारा भौतिक कर्तव्य है, गृहस्थ का कर्तव्य है, किसी अपने संस्थान के प्रति अपना कर्तव्य है, खेत के प्रति अपना कर्तव्य है कि वहां जाएंगे तो खेती करेंगे, दुकान के प्रति अपना कर्तव्य है कि वो वहां पर व्यापार का कर्तव्य है, किसी प्रोडक्शन यूनिट में जाएंगे फैक्ट्री में तो वहां प्रोडक्शन करना वो हमारा कर्तव्य है, सब कर्तव्य है, लेकिन ये यहां पर आते हो ये परम कर्तव्य है,
ये परम धर्म है, वह गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म है, व्यापार भी एक धर्म है, राजनीति भी एक धर्म है, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव शिष्य कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर। यहां ये परम धर्म है, ये आत्म धर्म है, ये परमात्मा धर्म है, ये भागवत धर्म है। और इस अभाव में जो प्रतिष्ठित हो जाता है वो इस भागवत धर्म को जो है जो जीता है फिर उसका पूरा जीवन ही अलौकिक हो जाता है। तो आज आप दो तीन बातें यहाँ से ऐसी लेकर के जाएं, ऐसे तो जब भी आते हो कुछ ज्ञान प्रसाद लेकर के ही जाते हो आप, तो आज दो तीन बातें अपने झोली में लेकर के जाओ। संतों के पास जब आते हैं ना तो झोली भर के जाते हैं। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरण भंडार। लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे फरियाद। सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा धार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तो अपनी झोली भर के जाना। क्या दो तीन बातें बताता हूँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा तीन से ज्यादा बात बताओ ना तो याद ही नहीं रहती। किसी से पूछो आज बाबा जी क्या बोले, बहुत अच्छा बोले, आनंद आ गया। अरे क्या बोले, बोले ये मत पूछो क्योंकि याद ही नहीं। हमको एक दो बातें याद रहती है, तीसरी भूल जाते हैं। बहुत प्रयत्न करें तो याद रह पाता है। तो एक बात तो ये याद करके जाओ कि तुम स्वयं में पूरे हो, तो फिर तुम्हें जिंदगी में कभी दुख हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि फिर तुम जगत में काम नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तुम्हें सफलता भी मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके पीछे मत दौड़ना, वो तो सब बाय प्रोडक्ट है। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं बाबा जी आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा ब्रांड बना दिया आपने, इतनी बड़ी सक्सेस आपने पाली, इतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपके पास, सारी दुनिया में आपकी प्रसिद्धि, आप क्या कहेंगे। मैंने कहा भैया हमको नहीं पता ही क्या, हमने तो योग किया और कर्मयोग किया, ये सब बाकी सब बायो प्रोडक्ट है। समझ में आई बात, योग करो, कर्मयोग करो, बस पूर्णता अनुभव करो, पूर्णता से जीवन को जियो, बाकी जो कुछ होगा ये तो भगवान की कर्मफल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था है, भगवान का विधान है, उसमें अपने को क्या हस्तक्षेप करना। तो भगवान के विधान पर पूरा विश्वास रखो और अपनी आत्मा का जो पूर्ण स्वरूप है उसकी विस्मृति मत होने देना, और बस बाकी सब काम करते जाना भगवान के विधान से। तुम्हारे जीवन में इतना शुभ होगा, इतना मंगल होगा, एक क्षण के लिए भी तुम दुखी नहीं रहोगे, तुम स्वयं के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए भी उपयोगी बनकर के जियोगे। और यही अध्यात्म है कि ऐसे जियो पूर्णता के साथ, और फिर जो भी करो उसको भी पूरा करना। कुछ कहते मैं पूर्ण हूं, बस यहां इतने में नहीं बात बनेगी ना, तू तो पूर्ण है लेकिन जो कर रहा है उसको भी तो पूरा कर ले। मैंने देखा कुछ साधु सन्यासी ऐसे पूर्णो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, और जरा सी कोई मक्खी मच्छर भी आ गया तो उसी में परेशान हो जाते हैं। तो पूरा था तो फिर ये भी अपना पूरा काम कर रही, उसको भी करने दे। छोटी सी बात से हम परेशान हो जाते हैं, मक्खी मच्छर आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो परेशान हो जाते हैं, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को, बच्चे ने बहू ने कुछ कह दिया उसमें परेशान हो जाते हैं। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, एक बात। दूसरी बात यह है, भगवान का दर्शन अपने को 24 घंटा हो, इसके लिए एक
वाक्य है, दो शब्द हैं उसमें, भगवान को विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करो। ये सारे रूप भगवान के ही हैं, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, मनुष्य और मनुष्यतर जीव जगत सब भगवान के रूप है। तो ऐसी अब गुरु से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य दो कि हम आपको विश्वमय और विश्वातीत रूप में हमेशा अनुभव करें। मूर्त अमूर्त, चांत अचांत, व्यक्त अव्यक्त, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये शब्द उसी शब्द का विस्तार है, दो शब्दों का। विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करें आपको। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, ऐसी दृष्टि पा करके जाएं। तो अंतिम बात में यही कह रहा था, ऐसा एकत्व सर्वत्र हो जैसे हम और माँ एक हैं और हम सब आत्माएं एक हैं। एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को मते। हम तो सब एक ही भगवान का नूर हैं सब, हा? और ये एकत्व हमारा अखंड रहे। और फिर आएंगे, आज इतना शुभ दिन है, ये शुभ घड़ी है, और इस पर आप सब यहाँ पर इतनी श्रद्धा से, इतने भक्ति से आए हो, और माँ ने इतना सुंदर ये आप सबके पुरुषार्थ से, सबके तप से और माँ के संकल्प से ये इतना सुंदर हॉल बना। और हम तो विराट के उपासक हैं ना, ब्रह्म कहते हैं विराट को, असीम को, अनंत को। तो इसमें देखो कितने बढ़िया दो पंखे भी, इतने विराट पंखे भी हमने हिंदुस्तान में पहली बार देखे। हाँ, कोई भीतर आएगा तो लगता है उल्टा हेलीकॉप्टर चल रहा है कोई। तो कितना आनंद कराती हैं माँ आपको, हैं योग भी कराती हैं, कर्म योग की भी दीक्षा देती हैं, भक्ति योग की भी दीक्षा देती हैं। वो गाती भी हैं, वो जीवन को उत्सव की तरह जीती हैं। तो मेरी कोई भी बात याद ना रहे तो इतनी बात याद रखना, आनंद गुरु मूर्ति माँ की तरह जी लेना, इतना तो याद रहेगा, ये तो दिख रही है। तो ये जीती जागती मूर्ति है भगवान की। आपको कुछ याद ना रहे तो इतना याद रखना, हमें आनंद गुरु मूर्ति माँ की तरह जीना है, आनंद मूर्ति माँ की तरह। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। करता फिरता मेरा मेरी सांझ ढले उड़ जाना, पंछी रे ये देश बेगाना, पंछी रे ये देश बेगाना, जिनके संग तू झूला डाली होकर मस्त दीवाना, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, पिंजरा देख पुराना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना। छोड़ के जाने से पहले क्या करके जाना, छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, कर ले और ठिकाना, ऐसा राग सुना रे जिससे, ऐसा राग सुना रे जिससे मिट जाए आना जाना,
पंछी रे ये देश बेगाना, पंछी रे ये देश बेगाना। तो ऐसा राग सुनाती है माँ जिसे आना जाना ही छूट जाए अपना। शाश्वत के मार्ग के पथिक हैं ना हम तो भैया आनंद से जीना और आनंद से यहाँ से जाना। एक एक दिन को ऐसे जियो कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब बताओ, आपको ये पता लग जाए कि वारंट आ चुका है तो आप सोचोगे अरे क्यों किसी से बैर किया, सबसे नमस्ते कर लोगे, अब तो जाना ही है। तो मेरे से बोलते बाबा जी आप इतना काम करते हो और फिर भी आनंद में क्यों रहते हो। हम इसलिए रहते हैं आनंद में कि हमको ऐसा लगता है कि वन डे इक्वल टू वन लाइफ, एक दिन एक जिंदगी के बराबर है और आज ही इस जिंदगी को जी भर के जी लो। तो एक एक दिन ऐसी जियो कि बस ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, जो मुझे ज्ञान पाना है, पूरे प्रकाश में जीना है, पूरे प्रेम में जीना है, पूरे पुरुषार्थ में जीना है, पूरी निष्ठा में जीना है, बस पूरे एकात्म होकर के जीना है समष्टि के साथ, भगवान के साथ। तो ऐसे जियोगे तो खूब आनंद करोगे और ऐसे ही जीने का सामर्थ्य भगवान ने हम सबको दिया है, चाहे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित शूद्र किसी भी परिवार में। दरअसल ये भेदभाव ने बहुत उल्टा पुल्टा हो रखा। मैं तो कहता हूँ जो ग्रंथ पढ़े वो ग्रंथी, जो योग करे वो योगी और जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण। वेद पढ़े वो ब्राह्मण है, इसमें कौन सा भेद है भैया? और क्या उसमें ऐसा है जो नहीं पढ़ सकता? हमने तो व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र सब पढ़ा है, लेकिन इसके लिए ब्राह्मण कुल उत्पन्न होना कोई अनिवार्यता है ही नहीं। और धन्य है हम ऐसी गुरुओं की परंपरा जहां जात पात के सारे भेद ही मिटा दिए हमारे गुरुओं ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने।